लोकार्पण शिलान्यास तथा उद्यमियों को भूमि आवंटन पत्र सौंपने के समारोह में गीडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों के लगाए स्टॉलों का भी अवलोकन किया, उनसे बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया। यहां डिस्टिलरी, फूड प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, लेमिनेट्स, सरिया, ई व्हीकल आदि के उद्यमियों ने स्टॉल लगाए थे। सीएम ने एक स्टॉल पर प्रदर्शित प्लास्टिक पार्क के मॉडल को भी देखा। इस संबंध में सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहजनवा की धरती पर गीडा में 143 करोड़ की परियोजना दी है। योगी आदित्यनाथ के आशीर्वाद से गीडा भी नोएडा की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। यहां पर कई कंपनियों के आने से ज्यादा लोगों और युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास अरविंद कुमार, अपर मुख्य सचिव MSME एवं सूचना नवनीत सहगल, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह, CEO गीडा पवन अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला ने कहा, ये तो
आज महाराज जी ने सहजनवा की धरती पर ईडा में आयोजित सभी को भूखंड आवंटन कार्यक्रम में 145 करोड़ की योजना दी है। हमारा गीडा महाराज जी के आशीर्वाद से अब नोएडा की तरफ बढ़ रहा है और जिसमें ऐतिहासिक विकास है मुक्त गीडा और ऐतिहासिक काम जिससे यहाँ ज़्यादा कंपनियाँ लगेंगी, ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा, किसी को दूर पलायन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ के लोग यहीं रोज़गार करेंगे।